और इस वक्त आपको सीधे लेके चलते हैं राम माधव से, खास बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल कमल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कमल और इस वक्त हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, आरएसएस से निकलकर बीजेपी में शामिल होने वाले बीजेपी के नए जनरल सेक्रेटरी राम माधव। स्वागत है आपका आज तक पर। ये आपका पहला टेलीविजन इंटरव्यू है एक बड़े प्रमोशन के बाद, तो हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। धन्यवाद। तो क्या मकसद है आरएसएस के प्रवक्ता को बीजेपी में इतने सीनियर पोजिशन पर लाने का? देखिए, इसका उत्तर तो एक तो आरएसएस का लीडरशिप दे पाएगा, दूसरा पार्टी के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे यह दायित्व दिया है वे कह पाएंगे। बस इतना मैं कहता हूं कि मेरा कोई एक अनयूजुअल बात हुई ऐसा नहीं है। संघ और उसके साथ जो संबंधित संगठन है उनके बीच में ह्यूमन रिसोर्सेस का एक्सचेंज होते रहता है। पदाधिकारी एक संगठन से दूसरे संगठन में जाते हैं, उस रूप में मेरा भाजपा में आना इस विषय को देखना चाहिए और मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है अध्यक्ष जी ने, उसके लिए मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी को देता हूं। अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आए हैं वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी में, संगठनात्मक काम उन्होंने बीजेपी में किया है और कोई भी हाई प्रोफाइल चेहरा आरएसएस से नहीं है। पहली दफा आरएसएस का चेहरा बीजेपी में आया है, इससे लोग अपना ही एकदम मतलब निकाल रहे हैं, ये बात अनयूजुअल है। लोग मतलब तो निकाल रहे तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, बट मैं इतना ही कहूंगा एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आज की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार दो संघ के पदाधिकारियों को पार्टी में दिया गया था, एक मैं हूं और एक दूसरे हमारे क्षेत्र प्रचारक स्तर के अधिकारी को दिया गया है और हमें पार्टी जो काम देगी वो पार्टी का काम हम करेंगे। नई टीम को उठाते हैं, बीजेपी की नई टीम को, 8 जनरल सेक्रेटरी में से 3, 11 वाइस प्रेसिडेंट में से 2 सीधे सीधे आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं। जो आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी संगठन का जो काम देखते हैं वो चारों के चारों आरएसएस के हैं। लग रहा है कि संघ ने बीजेपी को टेक ओवर कर लिया, पूरे का पूरा औपचारिक हो गया। इस आंकड़े से ये लगता है कि आरएसएस माइनॉरिटी में है। नहीं, आप पहले से तुलना कीजिए ना, पहले से तुलना कीजिए। देखिए, संघ एक विचारधारा का आंदोलन है, भले ही कोई संघ का सीधा सदस्य हो ना हो, बाहर रहने वाले भी बहुत बड़े संख्या में संघ के हितैषी, संघ के विचारधारा के समर्थन करने वाले लोग होते हैं। इसलिए अन्य संगठनों में काम करने वालों को ये संघ के है बाकी संघ के नहीं है, इस प्रकार का विभाजन करना ठीक नहीं है। आज मैं भाजपा में आया हूं ना, अब आज से मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं। संघ एक विचारधारा है, वो मेरे में भी है और जो संघ में शायद नहीं गया हो वो भी अप्रिशिएट करता होगा उसको। आप कैसे कह सकते हैं कि वो संघ के नहीं है? क्योंकि हमने कई शाखाओं में लोगों को बोलते देखा है, आरएसएस के कई सारे जो इंटेलेक्चुअल सम्मेलन होते हैं वहां पे हम शामिल रहे, हमेशा जो हमें लगा वो ये कि आरएसएस के जो प्रचारक हैं, आरएसएस के जो लोग हैं वो राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। उनको लगता था कि ठीक है हमने कुछ लोग भेजे लेकिन राजनीति में हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। अब तो लगता है कि पूरी राजनीति के पानी में डुबकी लगा के संघ के लोग तैयार है, वहीं पे आरएसएस ही स्विमिंग कर रहा है बीजेपी के सरकार के अंदर। देखिए, आरएसएस आज भी अपना गतिविधि दैनंदिन राजनीति से बाहर रहकर ही चलाता है। मैंने पहले ही कहा समय समय पर कुछ कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। हाँ, ये बात आपने सही कही, मेरा चेहरा परिचित था क्योंकि संघ में मेरे पास एक विशेष दायित्व था, पर प्रक्रिया वही था, पहले जो था वही प्रक्रिया है, उसी के अंतर्गत हम कुछ कार्यकर्ता आए हैं, इसलिए इसका कोई ऐसी व्याख्या करना बढ़ गई है। नहीं, संघ का टेक ओवर तो हो ही रहा है बीजेपी का। बिल्कुल नहीं, आप पार्टी का इतिहास देखिए। मैं वर्तमान देख रहा हूँ। आप जो कंपेयर करेंगे उसी से करेंगे ना, पहले इतना था हो गया। उसी में मैं बता रहा हूँ, संख्या बढ़ गई, इस तरह से हाई प्रोफाइल चेहरे आना, इतनी तादाद में चेहरे आना पहले कभी नहीं हुआ। आप भी जाए, ये तादाद आप जो कह रहे हो, जो संघ के पदाधिकारी हम दो ही लोग आए, एक मैं एक दूसरे क्षेत्र प्रचारक जी, दो ही आए, बाकी सब पार्टी के ही कार्यकर्ता है, उनको पार्टी में अलग अलग पद दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अब ये लग रहा है कि आरएसएस आपको भेजकर, बाकी लोगों को भेजकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर बीजेपी की जो दशा दिशा है उसको तय करना चाहता है कि किसी भी तरीके से बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी से भटके ना, इस वजह से आप लोगों को डिप्यूट किया। भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और वह दशा दिशा हमेशा सही रहा है, आगे भी सही रहेगा, ये भरोसा पूरा भाजपा को भी है और संघ के नेतृत्व को भी है। मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस का आदान प्रदान होते रहता है, इसका दशा दिशा से जोड़ने का कोई
कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि पार्टी को और मजबूत करने के लिए संघ के दो कार्यकर्ता और संघ ने दिया, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो बात को मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि क्योंकि आप आरएसएस से थे, क्योंकि आप उसके प्रवक्ता थे, इस वजह से आपको ये जिम्मेदारी दे दी गई, वरना आपने बीजेपी में किया ही क्या, आपको ये जिम्मेदारी कैसे मिलती? नहीं, ये तो चिंता बीजेपी की और संघ की होनी चाहिए ना, बाकी लोगों को क्यों चिंता है कि भाई इनको क्या जिम्मेदारी देना, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये चिंता पार्टी को और संघ को करना है। उन दोनों को जो मंजूर है वो करेंगे, जैसे मैंने कहा अध्यक्ष जी को जो मंजूर था उन्होंने वो दिया है। हम आना चाहते हैं सरसंघचालक मोहन राव भागवत के बयानों पर, जिनको लेकर इस वक्त देश भर में बहस भी चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुत्व भावी रहेगा, भारत में सब लोग हिंदू हैं, या सब जो हिंदुत्व की विचारधारा है वही भारत में होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए, क्योंकि लोगों ने कहा कि भारत हिंदुत्व देश नहीं, एक सेक्युलर देश है, और कहीं ना कहीं ये जो बहुत पुरानी तकरार है आरएसएस की विचारधारा और एक सेक्युलर विचारधारा को लेकर, वो एक बार फिर से सामने आ गई है। पहले संघ की शाखाओं में होती थी, अब चूंकि आपकी सरकार है तो एकदम सेंटर स्टेज आ गई है। पहली बात तो इस देश में कभी भी सही सेक्युलर विचारधारा तो रही नहीं है, इस देश में सेक्युलर अवसरवाद की राजनीति चली है। उस अवसरवादी सेक्युलर राजनीति के तहत ही संघ के सरसंघ चालक का हर बयान को तोड़ मरोड़ करना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालना, ये एक आदत बनी है। उस आदत के चलते वो जो बात हमेशा संघ कहते आया है कि भाई एक सांस्कृतिक पहचान भारत का रहा है, जिसको संघ हिंदुत्व इस शब्द से परिचित करता है, वो मजहबी पहचान बिल्कुल नहीं है। और सांस्कृतिक पहचान के नाते ये हिंदू स्थान हिंदू राष्ट्र है, ये परम पूज्य मोहन भागवत जी पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, संघ का प्रारंभ से यही विचार रहा है, उसी बात दोहरा रहे हैं, विचारधारा है। लेकिन इस बार आप देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में हैं, पहले विपक्ष में रहकर या किसी शाखा में यह कहना अलग है, अब सरकार में रहते हुए एक ऐसे टाइम पर जब आरएसएस का पूर्व प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है, तब अगर सरसंघ चालक ये कहते हैं तो फिर फर्क रहता है। क्या ये समझा जाए कि आपका ये कहने का मतलब है कि सत्ता के अनुरूप संघ अपना विचारधारा बदलते रहे? संघ कभी नहीं करेगा। संघ एक देश हित के लिए समर्पित एक विचार लेकर चलने वाला संगठन है, वो अपने विचार के अनुरूप काम करेगा। उनका कार्यक्षेत्र राजनीति नहीं है, समाज का संगठन, समाज के अंदर। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की थी जो एकदम रिवोल्यूशनरी बात है कि हमें आगे कुछ समय के लिए देश के अंदर ये जातिवाद, छुआछूत जैसी चीजों को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। इतना महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कल के भाषण में, ये कोई राजनीतिक संबंधित विषय नहीं था। तो क्या ये मतलब निकाला जा रहा है कि आरएसएस और मोदी सरकार मिलकर भारत को एक हिंदुत्व देश बनाना चाहते हैं? देखो भाई, सरकार पूरा देश का होता है, सरकार किसी संगठन, विशेष मजहब, विशेष संप्रदाय, विशेष व्यक्ति का नहीं होता है, और सरकार एक बार बनने के बाद किसी एक दल तक सीमित भी नहीं होता है। सरकार पूरा देश का होता है, सरकार पूरे देश हित के लिए काम करता है, पर सरकार के बाहर देश हित के लिए काम करने वाले अनेक लोग हैं, उनमें आरएसएस भी है, वो अपने विचार लेकर चलेंगे। इसमें टकराव बिल्कुल नहीं है, और आरएसएस न संविधान के खिलाफ जाने वाला संगठन है, न इस देश के तथाकथित यानी सूडो सेक्युलरिज्म नहीं, सही सेक्युलर विचार के खिलाफ, जिसको हम कहते हैं सर्वपंथ समादर, उसके खिलाफ चलने वाला संगठन नहीं है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो आप सरकार पे थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार केवल बीजेपी की नहीं, एलाइज भी उसमें मिले हुए हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री। आरएसएस अपने विचारधारा पूरे देश पर लाने का प्रयास करती है, इसका कोई सरकार से, मैंने कहा ना, उसका राजनीति सरकार से तो काम ही नहीं है। संघ का संघ एक देश अंदर देशित के लिए काम करने वाला संगठन है, नहीं क्योंकि आप उसको क्यों सरकार तक सीमित कर रहे हैं? फर्क है, जैसे आप कहते हैं कि हिंदुत्व देश का एजेंडा है, देश की सोच है, तो जो लोग हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते उनको चिंता होती है। मोहन वो देखते हैं कि मोहन भागवत ये कह रहे हैं, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री इसी विचारधारा से आते हैं, इसी सोच से निकल के आते हैं, तो सोचते हैं कि उनका क्या हो, उन्हें चिंता होती है। नहीं, जैसे मैंने कहा आरएसएस की विचारधारा क्या हो वो आरएसएस के नेतृत्व देश के सामने रखेगा, जैसा परम पूज्य भागवत जी ने कहा कि हिंदुत्व एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में भारत का पहचान है, और इस देश के अंदर जातिवाद समाप्त होना चाहिए, दलित समाज के साथ जो भेदभाव होता है वो समाप्त होना चाहिए, ये संघ की विचारधारा है, वो देश के सामने रखेंगे। देश में अधिकतर लोग स्वीकार करेंगे, कुछ लोगों को रिजर्वेशन हो सकता है, पर उसको आप सरकार से जोड़कर क्यों देखना चाहते हो? सरकार का जो भी नीति है, जो नीति है प्रधानमंत्री घोषित करेंगे, लाल किले से सरकार की क्या नीति है प्रधानमंत्री ने कहा भी नहीं, क्योंकि हमने ये पाया कि जब से मोदी सरकार आई है और आरएसएस बीजेपी को यह बहुमत मिला है,
तब से देश में बहुमत बीजेपी को मिला भैया। सर आरएसएस बीजेपी को मिल गया मिला, हकीकत आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है। आरएसएस चुनाव नहीं लगता, लेकिन पूरी ताकत लगा दी, धक्का लगा दिया, जीताने में मदद कर दी। लेकिन तब से देश में जो सांप्रदायिक पारा है, कम्युनल टेंशन जो है वो बढ़ रही है। और इस ये मैं नहीं कह रहा कि संघ के लोग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व है उन्हें लगता है ये तो हमारी सरकार है, अब हमारी खुली छूट है, अब दबाओ माइनॉरिटीज को दबाएंगे। नहीं, पहली बात तो देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं ये कह कहकर आपके मीडिया वाले तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के एक राज्य में सांप्रदायिक तनाव कुछ हिस्सों में बढ़ा, आप उस राज्य को दोष नहीं दे रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कह रहे हो, देश में तनाव बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ी है देश में तनाव, आप तनाव मत बढ़ाओ ना। और दूसरा, सांप्रदायिक तनाव किस कारण से बढ़ रही है उसकी चर्चा ना करते हुए आप विशेष एक संगठन या मजहब को क्यों दोष दे रहे हो कि हम अब एग्रेसिव हो जाएंगे, सरकार हमारी है, अब किसके तरफ इशारा कर रहे हो? आप गलत इशारा मत करो ना, आपके पास कोई जानकारी है क्या इस प्रकार का? आए तो सामने लाओ ना, आप कौन से आपके पास जानकारी? मीडिया के या बयानबाजी के माध्यम से मत, तो 10,000 प्रकार के बयान आपके सामने आएंगे ना। मैं बहुत सारे बयान गिना के सुनाऊंगा, जो आप बयानों की बात करें ये बयान आते हैं वीएचपी के लोगों से आते हैं। कौन सा वीएचपी का वीएचपी के है? बड़े आप किसी को भी लीजिए, को लीजिए, आप क्या है, क्या बयान दिया है, क्या बयान? उन्होंने कहा कि ये मुंहतोड़ जवाब है माइनॉरिटीज को। कब कहा है? इंटरव्यू में कहा। कौन से इंटरव्यू? हमारे सीधी बात में जहां पे आप बैठे हैं वहीं पे, जब मैंने अशोक सरकार बनने के बाद जब अशोक सिंघल जी का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये देश में जो माइनॉरिटी वो एक सबक है कि आपको अपनी जगह देख के रहना पड़ेगा, देश का जो मेजॉरिटी है वो जुड़ गया। ये इसी इंटरव्यू, बाकी इंटरव्यू तो छोड़ी, मैं अपने इंटरव्यू की बता रहा हूं, ये उनका बयान था। मेरे जानकारी में नहीं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो मुझे मालूम नहीं है, वो इंटरव्यू सच में मैं देखा नहीं था, पर कई चीजों का कॉन्टेक्स्ट भी एक होता है। पर एक बात याद रखना कि उनके बयानों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है ये आप कह रहे हो, आपको किस कारण से यूपी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है आपको मालूम नहीं है? अगर होता हम जानते हैं, वहां के जो सरकार है वो जानबूझकर वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के तरफ गतिविधि कर रही है, उसी के चलते कुछ कतिपय क्षेत्रों में वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और किसी के कारण नहीं बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा सीधा कारनामों का परिणाम है। ये छोटा सा उदाहरण देता हूं, लव जिहाद का मामला लीजिए। कई बार एक्सट्रीमिस्ट जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, बहुत बड़ी साजिश के तौर पर पेश किया। अब हम पहली दफा देख रहे हैं कि बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद वो खुद इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वक्त देश के मुस्लिम समाज में एक साजिश है कि हिंदू लड़कियों को किसी तरीके से पटाना है, भगा के ले जाना है। अब जब इस तरह की चीजें सांसद आपकी पार्टी के करेंगे, क्योंकि अब तो आप बीजेपी में ही है, तब देश का सांप्रदायिक जो तनाव है आपको नहीं लगता बढ़ता है इससे? ऐसा है, इस प्रकार की बातों को लेकर आपको शायद यूपी मेरठ की बात मालूम है, आज से 4-5 साल पहले केरला का पुलिस का डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और कोर्ट की जजमेंट मैंने पढ़ी, उसमें कहा के बाद कोर्ट में विवाद निकल के आया, कोर्ट में विवाद हुआ। इसलिए इसका कोई शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई इस बहस के ऐसा नहीं है, देश में अगर ये हो इस बात का बहस तरीके से दिखा देना तो बहस से आप क्या मतलब? इसको मैं आपसे सीधा सीधा एक प्रश्न करता हूँ, क्या आप लोग चैनल्स में इसके ऊपर आधा घंटा शो नहीं किए? आपने तो कहा कि इसको एक्सपोज करते हुए, ये हकीकत है नहीं, आप शो क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ये दिखाने के लिए जो कहा जा रहा है कि ये सच नहीं है, उनको आप कहो भाई ये हो रहा है ऐसा दिखाने वाले चैनल को मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ गतिविधि हो रही है, तो इसलिए इन चीजों पर सही क्या है गलत क्या है आप लोग अपना काम करके दिखाइए ना। पर आप लोग क्यों इसको साजिश के तौर पर फैला रहे? कौन? बीजेपी के एमपी वेस्ट उत्तर प्रदेश के? नहीं भाई, कुछ वहां के स्थितियों में कुछ वहां के जनप्रतिनिधि कुछ बात कहता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में विचार। आप कहते हैं कि गलत है, ये सही नहीं है क्या इस तरीके से बढ़ चढ़कर साजिश के तौर पे इसको दिखा रहे? बढ़ चढ़कर करने वाला आप लोग हैं, कोई एमपी कुछ कहता है तो आप बढ़ चढ़कर आधा घंटा शो करते हो, आपको मुद्दा मिल गया। बढ़ चढ़कर करने वाले आप लोग ज्यादा है इन चीजों में, वास्तविकता तो दिखाते नहीं है। आप मानते हैं कि साजिश चल रही है कि हुई कि नहीं हुई उस पर विचार होगी ना जो संबंधित लोग, जैसा मैंने कहा केरला में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहां स्वयं डीजीपी को आगे आकर कुछ बातें कहना पड़ा, हुआ है, पर बाद में चीज ठीक भी हो सकती है, पर उसको आप बहुत बड़ा विवाद बनाने का प्रयास मत करिए ना। ठीक है, कहे हुआ होगा माधव जी। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, राम माधव इस वक्त हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस सरकार में और बीजेपी में जो आपके आरएसएस के पेट एजेंडे हैं,
यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, आर्टिकल 370 हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो कहां पे रहेंगे? सरकार क्या, सरकार के एजेंडे पे चलेगा, और वो एजेंडा क्या है, लाल किले से देश का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, उसके अनुरूप सरकार का काम होगा। बाकी जो मुद्दे हैं उनके समय आने पर उनकी चर्चा होगी, जब समय आएगा तो आपके सामने चर्चा होगी। पर ये मैं समझ नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं कि सरकार का एजेंडा कुछ और है, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा कुछ और है, अरे आप ही की सरकार है, आप ये कैसे? हाँ, बराबर है, बट इतना समझ लो कि पार्टी एक मैनिफेस्टो लेकर जनता के सामने चुनाव के लिए जाती है, उस मैनिफेस्टो को जनता स्वीकार करके हमको वोट दी है, अब उस मैनिफेस्टो को अमल करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, अपने ढंग से करेगी ना। सरकार आई कब है, 2 महीने पहले है ना, तो उसको पर्याप्त समय मिले। तो जो एजेंडा में हमने घोषणा पत्र में घोषित किया, उन मुद्दों पर सरकार अपना एजेंडा तय करके आगे बढ़ेगी। हम देख रहे हैं हाल में तकरार हो रही है आरएसएस की जो अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय मजदूर संघ है, कई सारे मुद्दों पर सरकार की नीतियों में और आरएसएस की जो अलग अलग विभाग हैं उनमें तकरार हो रही है, इसको कैसे रिजोल्व करेंगे? नहीं, आपको अच्छा, आपका अच्छा न्यूज मिलेगा ना, चिंता मत करो, बट कोई तकरार नहीं है, पर हो रहा है। ये संगठन निवेश को लेकर, एफडीआई को लेकर, अरे भाई, लेबर पॉलिसी को लेकर, लैंड एक्विजिशन में जो है ना, मेरा कहना का विषय तो सुन लीजिए, ये सारे जनता के बीच काम करने वाले महत्वपूर्ण संगठन है, अपना विचार रखेंगे, उन विचारों को हम इज्जत से देखेंगे, उनको सम्मान देंगे, और क्योंकि वो जनता के बीच काम करने वाले बाकी संगठन जैसे ही महत्वपूर्ण संगठन है और उनका अनुभव है, इसलिए उसको हम गंभीरता से लेंगे, और सरकार उनमें क्या क्या सही चीजें हैं, क्या क्या उनको इम्प्लीमेंट करने वाले आवश्यक चीजें, उन पर सरकार विचार करे, ये हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि हमने पिछली दफा इसको टकराव के रूप में क्यों देखते हो, क्योंकि जनसंघटन की सरकार चल रही थी तब बार बार फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर वाजपेयी जी के मंत्रियों में और भारतीय मजदूर संघ में तकरार होता था, और इस वजह से जो आपने अभी क्या कहा, हम इतिहास में नहीं जाएंगे, बोले पर इतिहास में क्यों जा रहे हो, अभी की सरकार की बात, क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स पे देखा कि आरएसएस की सोच ने सरकार की सोच को बदल दिया। आपने अच्छी बात उठाई राहुल जी, आपको मालूम होना चाहिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेकर बहस केवल आरएसएस के परिवार संगठनों का नहीं है, इस देश में उसके बाहर बहुत सारे एनजीओस का, और केवल भारत में नहीं, दुनिया भर इस विषय को लेकर बहस है।